इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम लोगों को अपनी हेल्थ के साथ साथ स्किन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ और उसके साथ घर का सारा काम जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, खाना पकाना और कपड़ा वगैरह धोना और आप लोगों के लिए यूट्यूब भी, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ मेरे स्किन डे बाई डे बहुत ही ड्राई हो रहा है, क्योंकि मुझे सुबह से लेकर रात तक बार बार हाथ धोना पड़ता है और अपने हैंड को सैनिटाइज भी रखना पड़ता है। अभी हम लोगों को बार बार हाथ भी धोना पड़ेगा और अपनी स्किन को सैनिटाइज भी रखना पड़ेगा। और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा, उसके साथ कैसे हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा। मेरे चैनल में कोई नया मेंबर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुबह में ब्रेकफास्ट करने से पहले ल्यूक वार्म वाटर एंड कभी कभी ग्रीन टी भी पी लेती हूँ। ये हमारी शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। घर का काम शुरू करने से पहले अपने हाथ को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए अच्छा होता है और आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, जो ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा एक मॉइस्चराइज़र है एश्योर का, लेकिन एश्योर का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप ये कहीं से भी ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन अभी बहुत ख़राब हो चुका है। किसी किसी का स्किन शुरू से ही बहुत अच्छा होता है और किसी किसी का बुरा। मेरी स्किन शुरू से ही इतना अच्छा नहीं था। कैसे आपका स्किन खराब से भी और भी ख़राब हो सकता है और अच्छे से भी ख़राब हो सकते हैं, और क्या चेंज करना पड़ेगा अपनी डेली रूटीन पर? नंबर वन, चेंज योर बर्तन धोने का सोप, जैसे कि विम बार। विम बार यूज़ करने से अपनी स्किन पर बहुत ही ख़राब इफेक्ट फैलता है। आप पतंजलि का बर्तन धोने का सोप यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह वेस्टेज का अल्ट्रा स्क्रब प्रोडक्ट। नंबर टू, घर क्लीन करने के लिए लाइजोल। लाइजोल में बहुत केमिकल होता है। जब भी आप अपने हाथों से घर क्लीन करते हैं, ऑलवेज यूज़ ग्लव्स और चेंज योर लाइजोल। लाइजोल को हटा कर आप मेरी तरह वेस्टेज का अल्ट्रा स्वाब भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, हैंड वॉश भी अच्छा वाला यूज़ करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन सेवलॉन मुझे बहुत ही बुरा लगा। ओनली वन मंथ में यूज़ किया था, मेरी स्किन को और भी ख़राब बना दिया।
आप वेस्टिज का हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें है एलोवेरा और नीम, जो इस मौसम में हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। Before you going to outside work, again need to use moisturizer. मेरे पास जितने भी moisturizer हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए। मैं अलग से moisturizer का एक वीडियो डाल दूंगी आप लोगों के लिए।
बाहर जाने से पहले ऑलवेज वेयर मास्क देन ग्लव्स डोंट स्किप इट एंड कवर योर हेयर ये ऑप्शन तो हर लड़की को पता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।